देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्प्ले कर दूँ एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे कैसे करेंगे। देखिए y इज इक्वल टू दिया है 3 cos log x 4 sin log x, सो दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू जीरो। मतलब आपको यहाँ पर क्या पुट करना है, y2 मतलब डबल डेरिवेटिव, यहाँ पर पुट करना है सिंगल डेरिवेटिव प्लस y इक्वल टू जीरो। बच्चों ऐसे क्वेश्चन को करने का दो मेथड है। एक है सिंपल मेथड, शुद्ध देसी मेथड, कि ये y1 निकालो y2 निकालो और जो जो ज़रूरत है उसको ला करके पुट कर दो। तो इसको मैं बोलता हूँ शुद्ध देसी मेथड। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका एक होता है मैनिपुलेटिंग मेथड। वो मैं जब करूँगा तब आपको बता पाऊँगा कि मैनिपुलेटिंग मतलब हेर फेर मेथड। तो वो मैं जब करूँगा तब मैं बता पाऊँगा वो क्या होता है। बोलो क्लियर हुआ इतना? यस सर। चलिए अब देखिए इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को अपन। तो y इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स दिया है, साइन फोर लॉग एक्स दिया हुआ है, इसको ये लेकर के आना है। ये अपना एल एच एस है और ये अपना आर एच एस है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए y1 और y2। y1 मतलब इस चीज़ का पहली बार डिफरेंशिएशन कर दो। तो 3 log cos x 4 log sin x का डिफरेंशिएशन डंडा चलाओ, बड़े आराम से हो जाएगा। 3 log cos का हो जाएगा, 3 cos का हो जाएगा माइनस साइन, तो 3 माइनस साइन log x और फिर log x का होगा 1 बाई एक्स। तो कितना बन गया देखा जाए डायरेक्टली, तो माइनस 3 sin x log x अपॉन x और 4 sin का हो जाएगा cos log x वैसे का वैसे ही, और फिर log पे डंडा चलेगा तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो इसको LCM लेकर के 4 cos log x आगे कर दिया और माइनस लगा के 3 sin log x अपॉन x पीछे कर दिया, ये आ गया अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। ओके अब क्या करना है, ये इतना बड़ा ज़बरदस्त सा फंक्शन हो गया, अब इसका आपको फिर से डेरिवेटिव निकालना है। ओके इसका हमें फिर से डेरिवेटिव निकालना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा है जय, क्वेश्चन नंबर 13। ओके अभी स्टार्ट की बिल्कुल। तो अब जो है इसका हमें फिर से डेरिवेटिव निकालना है। बेटा अभी मैंने क्या किया है, ये क्वेश्चन दिया आपके पास, y इज इक्वल टू इतना क्वेश्चन दिया है, कह रहा शो करो कि इतना इक्वल टू जीरो। तो हमें क्या क्या निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना, हमें निकालना सेकेंड डेरिवेटिव। ओके तो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकाल लिया, अब सेकेंड डेरिवेटिव इसी का डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा भाई, दो ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर है, तो क्या रूल लगता है, डिनोमिनेटर v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये रूल लगता है अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो देखो डिनोमिनेटर x, थोड़ा और इसको बड़ा कर दिया जाए, ये देखिए हाँ, डिनोमिनेटर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब बच्चों ये x डैश लगा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था y डैश को भी डिफरेंशिएशन बोलते हैं, तो उसको देख के भयभीत मत हो, और अगर डल लग रहा हो तो एक काम करो इसको डी बाई डी एक्स ऑफ x कर लो। यहाँ पे भी देखो इन लोगों ने डैश लगा दिया, डैश मतलब जगह बचाने के लिए कि इसका डेरिवेटिव है, और अगर डल लग रहा हो तो एक काम करो यहाँ कर लो x और यहाँ कर दो डी बाई डी एक्स, लो बात एक ही हो गई। अब चलो x बाहर बैठा है बैठे रहने दो, डिनोमिनेटर इसका डिफरेंशिएशन 4, कॉस का क्या हो जाएगा भाई, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो कॉस का देखो इन लोगों ने एक एक बार इसको डैश डैश लगा दिया कि इसका भी करेंगे इसका भी करेंगे, काय को टाइम पास, अपन डायरेक्ट करते हैं बेटा 4 का 4 बाहर और कॉस का क्या होता है माइनस साइन लॉग एक्स, है ना, और लॉग एक्स का कितना होगा 1 अपॉन एक्स। अरे बड़ी ज़बरदस्त लाइन है, देखो ये लाइन कोई काम की नहीं है, ये लाइन कोई काम की नहीं है। तो 4 माइनस 4 हो गया साइन लॉग एक्स, और लाइन एक्स लॉग एक्स का कितना 1 बाई एक्स। फिर देखो 3 साइन लॉग एक्स का, तो 3 साइन का क्या होता है कॉस लॉग एक्स और फिर 1 बाई एक्स हो गया, ठीक है ना, और बाकी माइनस 4 कॉस लॉग एक्स 3 साइन लॉग एक्स, और उसका तो 1 हो गया, तो 1 पे मल्टीप्लाई 1 हो गया, नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। चलो इसको फोड़ दो। एक चीज़ देखो बच्चों, यहाँ पे x है, ओके इसको पूरा ओपन करना अपन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो तो कैसे ओपन करोगे, देखो जब ये x को ओपन करोगे तो ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा माइनस 4 साइन लॉग एक्स, ये बच गया। फिर इस x को मल्टीप्लाई करोगे तो ये x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 कॉस लॉग एक्स, वो भी माइनस का, ये बच गया। फिर माइनस 4 कॉस लॉग एक्स ये बच गया, और 3 साइन एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर। चलो काटा कोटी कर दो, 4 कॉस 4 कॉस 3 कॉस कितना हो गया 7, और प्लस का 3 और माइनस का 1, तो कितना माइनस साइन अपॉन एक्स का स्क्वायर। चलो अब जो जो निकाल लिया ना सारा कुछ क्या कर दो, पुट कर दो। किस में पुट करना है, एल एच एस में। तो एल एच एस हमारा क्या था, अपना एल एच एस है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू डबल डेरिवेटिव, तो ये एक्स स्क्वायर और ये डबल डेरिवेटिव खड़ा कर दिया, ये है प्लस एक्स, ये सिंगल डेरिवेटिव, और प्लस किसकी वैल्यू, वही जो फंक्शन था वाई, तो वाई यही तो था। चलो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, क्या बचा माइनस साइन लॉग एक्स, ये लिख दिया
माइनस सेवन कॉस लॉग एक्स ए लिख दिया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा फोर कॉस लॉग एक्स माइनस थ्री कॉस लॉग एक्स साइन लॉग एक्स, और प्लस थ्री कॉस लॉग एक्स प्लस फोर। चलो काटा कूटी करते हैं, फोर कॉस माइनस का फोर कॉस, देखो माइनस सेवन कॉस और प्लस थ्री कॉस, तो सात में से तीन गए, कितना बचा माइनस चार, और माइनस चार से प्लस चार क्या हो गया कैंसिल। अच्छा चार में से एक गए माइनस थ्री, और है ना चार में से एक गए प्लस थ्री और ये है माइनस थ्री, तो ये भी कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया जीरो। सो दिस इज प्रूव्ड। बोलो क्लियर बच्चों? यस सर। हाँ तो कुछ नहीं है, बस एक बड़ा सा लेंदी है और कुछ भी नहीं है, कोई yes, sir. कोई नया कंसेप्ट नहीं है। अब मेरा दिमाग ये चल रहा है कि मैं आपको इसको कुछ सरल करा लूँ, तो मैं इसको सरल कराने के लिए मेरा दिमाग चल रहा है, लाना क्या है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये मुझे प्रूफ करके लाना है। तो एक तो मैंने आपको शुद्ध देसी मेथड बता दी जिसमें उठाओ पुट कर दो सीधा सीधा, अब दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ जिसको मैं मैनिपुलेटिव मेथड बोलता हूँ। तो इस क्वेश्चन को मैं अपने खोपचे में लेके चल गया, ये लेके चला गया, आ जाओ आ जाओ भाई बेटा ये आ गया क्वेश्चन। अब चलो मेरे को कैसे लेके आना है, देखो बच्चों अब स्टार्ट कर रहा हूँ तब आपको समझ में आएगा। ये वाई है, बड़ी खुशी की बात है, वाई इक्वल टू थ्री कॉस, काय को लिखूँ एक बार लिखा तो है, सीधे डिफरेंशिएशन कर दो, सीधे डिफरेंशिएशन कर दो बेटा। डी वाई डी एक्स को अपन क्या बोलते हैं वाई वन, और क्वेश्चन भी तो वाई वन की फॉर्म में है, तो काय को परेशान हो, थ्री वाई वाई वन हो गया। चलो थ्री कॉन्स्टेंट बाहर, चलाओ डंडा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन और लॉग एक्स, इस कॉस पे डंडा चला, अब डंडा अंदर आएगा लॉग एक्स पे, तो कितना हो जाएगा वन अपॉन एक्स बच्चों। बट आप इसे डायरेक्ट नहीं लिखना, आप डी बाई डी एक्स करके करोगे नहीं तो आपको डंडा कर देगा, समझ गए ना, ये हो गया। अब आगे जा जाओ प्लस फोर, साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा कॉस, और ब्रैकेट में क्या लॉग एक्स, हाँ अब कॉल लॉग पे डंडा चलाओ वन बाई एक्स, चलो बाई वन। अब यार एक काम करूँ, मेरा जो मन कह रहा है कि ये देखो ध्यान से, ये देखो यहाँ पे क्या बैठा है एक्स वाई वन बैठा है ना एक्स वाई वन, तो एक काम करो एक्स को इधर भेजो, तो एक्स वाई वन इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस थ्री साइन लॉग एक्स प्लस फोर कॉस लॉग एक्स, ये बन गया अपने पास, ये मैंने वाई वन को इधर भेज दिया। सर क्यों भेज दिया, हमें तो वाई टू चाहिए, तो सीधे सीधे करो ना। अरे मैं जुगाड़ू मेथड लगा रहा हूँ भाई, जुगाड़ू मेथड में जल्दी करने से काम होता है इसलिए मैं लगा रहा हूँ। ये नंबर वन ले लो बेटा इसका, क्यों ले लो मुझे नहीं पता क्यों ले लो, मगर मैं इसमें एक बार और डिफरेंशिएशन करने वाला हूँ। चलो आओ करता हूँ डिफरेंशिएशन, चलो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करो। ध्यान से देखो ये एक्स है ये वाई वन है, करो डिफरेंशिएशन, कैसे होगा अब आप लिखोगे बिल्कुल प्यारे प्यारे बच्चों के जैसे एक्स वाई वन, बट इतना टाइम नहीं है, सीधे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। अरे वाई वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डबल डेरिवेटिव वाई टू, बोलो होगा मुस्कान की नहीं होगा, हेलो हाँ बोलो भाई, वाई वन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, और वाई वन का क्या होगा वाई टू ही तो होगा, बताया था ना लास्ट क्लास में, नहीं आया क्या समझ में, आ गया। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना वन, जो कहते हो माइनस थ्री, सावधान साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस ब्रैकेट में लॉग एक्स इनटू वन अपॉन एक्स, दंडा मेथड जय, समझ में आ रहा है, प्लस फोर कॉस का डिफरेंशिएशन बेटा फिर से माइनस साइन लॉग एक्स और ब्रैकेट में कितना वन बाई एक्स, ओ हो सब कुछ हो गया निपट गया, बड़ी खुशी की बात है। इनको थोड़ा सा सजा सवार लो, एक्स वाई टू प्लस वाई वन, देख बेटा माइनस थ्री यहाँ पे क्या आ गया कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स है ना, माइनस फोर साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स, बोलो हाँ बेटा, देख से एक्स दोनों से एलसीएम है, मैं दोनों को मर्ज करके एक्स लिख दूंगा, बोलो बताओ कोई दिक्कत, क्योंकि इसका भी एलसीएम एक्स है और इसका भी एलसीएम एक्स है, बोलो हाँ या ना बच्चों, बोलो yes, दोनों, मेरी वॉइस आ रही बेटा प्रॉपर, क्यों वॉइस मेरी नहीं आ रही क्या जय, आ रही है सर, आ रही है बेटा, एक बार आप डिस्कनेक्ट होके फिर से जुड़ जाओ मुस्कान, एक बार डिस्कनेक्ट होके फिर से जुड़ जाओ, मुस्कान अब ठीक है, हेलो यस सर, यस सर, यस सर, ओके ठीक है।
तो मैं ये कह रहा था कि हमने क्या क्या किया भाई, हम तो यहाँ पे थे, तो मैंने यहाँ पे -3 cos x था, ये माइनस था, मैंने माइनस इसको बाहर कर दिया, ये माइनस हो गया, और x x दोनों का एलसीएम आ रहा था, मैंने x कॉमन ले लिया, ठीक है ना, जगह कम पड़ रही है, बस अपना आंसर तैयार है। देखो यहाँ गया मैं, ओके ये गया मैं। अब बच्चों देखो ये x है, उठा के इसको मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, बोलो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई टू, और क्या वाई वन एक्स या एक्स वाई वन, देखो ध्यान से ये माइनस कॉमन आ रहा है, इससे आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो -3 यस कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। ध्यान से देखो ये क्या था शुरुआत में, आई थिंक यही क्वेश्चन को लेके चले थे अपन, 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स, ये क्वेश्चन ही था, और क्वेश्चन का नाम क्या था, वाई, क्या था वाई, इसीलिए देखो हेर फेर से अपना आंसर कितने प्यार से आ गया, ना डबल डेरेवेटिव ना सिंगल डेरेवेटिव, सीधे प्लस वाई को इधर करो तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0, वैसे भी करोगे तो 4 में से 4 मिलेंगे, और ऐसे भी करोगे तो 4 में से 4 मिलेंगे, बोलो समझ में आ गया। यस सर हाँ तो इस तरीके से करना है क्वेश्चन, क्लियर है ना, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो इस तरीके से हो गया क्वेश्चन, इसको मैं सेंड कर देता हूँ आप लोग को, आप लोग इसको नोट कर लेना आराम से, एक बार अच्छे से देख लो, ग्रुप में सेंड कर देता हूँ आप लोग को। चलिए जी, तो और कोई क्वेश्चन बताइए, हाँ ये हो गया क्वेश्चन, बताओ इसमें कोई दिक्कत है, एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं या क्लियर एकदम, क्वेश्चन 13, मुस्कान आपका डाउट था, क्लियर एकदम, क्लियर है यस सर, सर क्लियर, चलो और बताओ कौन सा बताऊं, यस सर, क्वेश्चन 14 बन गया, नो सर, ओ ये तो मैं कहूंगा आपने देख के छोड़ दिया ये क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं यस बना सर, तो ये क्वेश्चन आपने देख के ही छोड़ दिया, और ये भगवान ये क्या है, ये एम है ये एन है, इसको देख के ही आपने छोड़ दिया, यस इसका मतलब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, एकदम फुल टू लड्डू क्वेश्चन है, चलो इसको मैं कराता हूँ आपको, देखो इसको चाहे आप उससे कर लो, अब सिंपल मेथड से तो इन लोगों ने कर ही दिया है, बुक वालों ने सिंपल मेथड से, देखो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने ए निकाला, वाई वन निकाला, वाई टू निकाला, पुट कर दिया देसी मेथड से, एल एच एस में रख दिया, आर एच एस 0 आ गया, खुशियाँ मनाली पटाखे फोड़ दिए, बोले ये एल एच एस है, इसमें इन्होंने डबल डेरिवेटिव पुट कर दिया, यहाँ सिंगल डेरिवेटिव खिला दिया, और यहाँ पे क्या खिला दिया, वाई खिला दिया, अब बोले आ गया इनका आंसर, ठीक है वो आप कर लेना दोबारा, मैं आपको बताता हूँ मैनिपुलेटिव मेथड, जिससे आपका वक्त भी कम लगेगा, चलो भाई आ जाओ मैनिपुलेट करेंगे तुम्हारे साथ मजे लें, ये जो जी फंक्शन है आपके पास में, तो लिख देता हूँ एक बार, वाई इज इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। यार बच्चों एक बात बताओ मुझे, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई की पावर एक्स होता है, बट ई की पावर ए एक्स का क्या होता है, अगर 15-20 क्वेश्चन लगा लिए होंगे तो पता चल गया होगा कि सर ये जो एक्स के साथ चिपका होता है ना, बस वो आगे आ जाता है, यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, बोलो बनता है कि मैं करवाऊं पूरा टी लेकर के, काश तुम टी होते, नहीं से बनता, बनता है ठीक है ना, देख लो कैसे करेंगे, ई की पावर टी, ठीक है ना, तो ये बोलेगा टिंग टोंग क्या हुआ, डी बाई डी टी ई की पावर टी डी टी बाई डी एक्स, बोलेगा हाँ अच्छा, ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन ई की पावर टी, चलो और डी बाई डी एक्स, टी की वैल्यू क्या थी, ए एक्स, टी क्या था, ए एक्स, तो ए हो गया कांस्टेंट, ई की पावर टी ए कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1, मतलब ए इंटू ई की पावर टी, टी की वैल्यू वापस पुट करो, टी की वैल्यू क्या थी, ए एक्स थी, तो आंसर आ गया ई की पावर ए एक्स, और सीधी सीधी बात बोली जाए तो जो एक्स का कोफिशियंट होता है वही चिपके में मल्टीप्लाई हो जाता है, बस हो गया, होता ही यही और कुछ नहीं होता है, तो आई होप ये आपसे बनना चाहिए क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है डिफरेंशिएशन की, तो अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चलो आ जाओ तो अपन इसको डेरिवेटिव रगड़ दें, इसको क्या कर रहा है, डी वाई डी एक्स, चलो इज्जतदार क्वेश्चन है, इन लोगों ने वाई वन वाई टू का नहीं करा, इन लोगों ने डी वाई डी एक्स दिया है, डी वाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएट करो, ए कॉन्स्टेंट, ई की पावर एम एक्स का क्या होगा, एम ई की पावर एम एक्स होगा ना भाई, प्लस बी इंटू एन इंटू ई की पावर क्या होगा, एन एक्स होगा, ओके चलो बोलो क्लियर है बच्चों, यस कि नो,
यस ओके अब कर दो डी टू वाई बाई डी एक्स सर, टू। हाँ जी, अब डी टू वाई बाई डी एक्स टू कर दे भाई। डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू ए एम कॉन्स्टेंट है, फिर से एम निकल आया, अरे वाह, ई की पावर एक्स का करोगे तो फिर एम निकलेगा, तो तुम 10 बार करोगे 10 बार निकलेगा, तो एम इंटू एम क्या हो गया, एम का स्क्वायर और ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन, फिर से बाहर एन आ गया तो क्या हो गया, एन का स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। तो ये बच्चों जी हमारे पास हो गया सिंगल डेरिवेटिव, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब आपको क्या प्रूव करना है, इसकी वैल्यू इक्वल टू जीरो। ओके 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 बच्चों, अगर मैं इस बार अगर मैं मैनिपुलेटिव मेथड से जाऊंगा तो यार ये बड़ा हो जाएगा, मतलब इसमें ये देसी मेथड बिल्कुल सही है, क्योंकि मैनिपुलेटिव मेथड का हेर फेर का कोई स्कोप नहीं दिख रहा है। तो कुछ नहीं, आप सीधे सीधे इसको सॉल्व कर दो, आपको इसको सीधे सीधे सॉल्व कर देना है ना, क्योंकि इसमें कुछ स्कोप ही नहीं दिख रहा है यहाँ से मैनिपुलेट करने का। तो चलो इसको इसमें पुट कर दो, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू पुट कर दो। एल एच एस क्या अपने पास, एल एच एस अपने पास यही है, पूरा उठा ही लेता हूँ मैं इसी को। आ जाओ भाई, ये आ गया, ये आ गया, तो अपने पास डी टू बाई डी एक्स टू ये चीज़ में पुट कर रहे हैं वैल्यू अपन, किस में पुट कर रहे हैं ये वैल्यू अपन, डी टू बाई डी एक्स टू माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई डी एक्स, मतलब पहला डेरिवेटिव, और प्लस एम इंटू एन इंटू वाई की वैल्यू। ओके मानेंगे नहीं, ये लोग कैलकुलेशन करवाई के मानेंगे। चलो आ जाओ भाई कैलकुलेशन करते हैं। डी टू बाई डी एक्स टू की सबसे पहली वैल्यू कितनी निकाली है यार, ये निकाली है अपन ने डी टू बाई डी एक्स टू की वैल्यू। ओए बच्चों दिमाग में लाइट जली मेरी, थोड़ी सी लाइट जली है दिमाग में, रुक जाओ क्या लाइट जली है दिखा रहा हूँ आपको लोग। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, नहीं, वो लाइट किसी काम की नहीं है, वो लाइट तब काम की होती जब यहाँ भी एम स्क्वायर होता और यहाँ भी एम स्क्वायर होता तो मैं कुछ कॉमन ले पाता बच्चों, तो ये बल्ब किसी काम का नहीं है, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो सीधे इसकी वैल्यू रख दूँ मैं, तो इसकी वैल्यू क्या निकली है देखो ध्यान से, ये निकली है ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये वैल्यू निकली है, माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स तो मैं यहीं से निकाल लेता हूँ हंसते खेलते, ए एम ई की पावर एम एक्स और प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स, ये आ गया बच्चों जी। देन 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 एम इंटू एन इंटू वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू कितनी है यार, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। ओके इक्वल टू हमें जीरो लेकर के आना है। चलो सॉल्व करते हैं यार बच्चों, देखो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स खुश प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, इसमें तो कुछ किया ही नहीं अपन ने। अब देखो एम का मल्टीप्लाई, वो भी माइनस है, तो माइनस सबको क्या कर देगा, माइनस मतलब जितने टर्म खोलेंगे सारे माइनस हो जाएंगे, क्योंकि कोई सबके सब तो प्लस हैं, तो माइनस माइनस प्लस होने का चक्कर ही नहीं है, तो बिल्कुल आँख मूंद के माइनस ठेलना अपन को। तो ए इंटू एम, ये देखो बल्ले बल्ले ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, फिर बी माइनस आएगा सर जी, बी एम फिर एन भिड़ गए और e की पावर एन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, फिर n को भिड़ाओ तो माइनस ए एम एन ई की पावर एम एक्स, फिर n को भिड़ाओ माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, है ना, सारे हो गए। अब चलो ये भिड़ गए एम एन वाले, एम एन ए ई की पावर एम एक्स और प्लस एम एन बी ई की पावर एन एक्स, हमला काटो, ये कैंसिल, बी एन स्क्वायर से बी एन स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल, बी एम एन ई की पावर एन एक्स, बी एम एन ई की पावर एन एक्स, ये भी कैंसिल, सब साफ, आंसर कितना आया, जीरो। कहो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। जय, क्लियर है बेटा, क्लियर, यस सर। चलिए ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन क्लियर, इस ये वाला भी तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आपको ऐसे ही करना है। पहले क्या करेंगे आप लोग, देखिए यहाँ पे आपको सिंगल डेरिवेटिव टर्म निकालने हैं, डबल डेरिवेटिव टर्म निकालने हैं, वो दोनों टर्म आप निकाल लीजिए, एंड देन उसके बाद आप जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। तो प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, इसमें मैनिपुलेशन जैसा कुछ भी नहीं लगने वाला है, मैनिपुलेशन करके कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है इसमें। ये लीजिए मैंने भेज दिया,
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताओ बच्चों, अगला क्वेश्चन कोई हो आपके पास में बताइए प्लीज़। 14 भी हो गया, 15 कर लिया आपने, आपने कर लिया ना 15 बेटा? यस सर। वेरी गुड। 15 देखो, 15 कर लिया, 14 छोड़ दिया, कोई फ़र्क ना है दोनों में, एक में एम एन एम बैठा हुआ है, वही क्वेश्चन बिल्कुल वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर लिया। चलो सर, वो पावर देख के एम एक्स एन एक्स देख के। अरे नहीं नहीं बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 16 बन गया, नहीं बना सर? नहीं बना। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 16 क्वेश्चन कह रहा है कि e की पावर वाई एक्स प्लस वन इक्वल टू वन है, शो दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। मतलब क्या करना है, एक तो डबल डेरिवेटिव चाहिए और एक तो सिंगल डेरिवेटिव चाहिए, और क्या प्रूफ कराना है कि जो डबल डेरिवेटिव है वो सिंगल डेरिवेटिव के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है ना? तो थोड़ी सी रिलेशनशिप आपको ध्यान देनी पड़ेगी। देखो जी क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखो आप डी वाई बाई डी एक्स कब लगा पाओगे? जब बेटर डी वाई बाई डी एक्स आपके पास तब आएगा जब आपका वाई का पूरा पूरा फंक्शन एक्स के रूप में रहेगा। बस इस क्वेश्चन में ये इतना ही है, अगर आपने वाई को एक्स की फॉर्म में लिख लिया तो ये क्वेश्चन पोंगी बच जाएगी। तो देखिए क्या है क्वेश्चन को, ई की पावर वाई इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या है, वन है। तो ई की पावर वाई इज इक्वल टू क्या जाएगा जी, वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब इसका नेचुरल लॉगरिथम दोनों तरफ का ले लो तो खेल खत्म क्वेश्चन का। तो आपने नेचुरल लॉगरिथम का बेस क्या होता है, ई, और किसका ले रहे हो, ई की पावर वाई का, इक्वल टू यहाँ भी आएगा लॉग बेस ई पे वन अपॉन एक्स प्लस वन। लो जी, ई बेस ई सबको पता है वन होता है, क्या बच जाएगा केवल वाई, या कुछ लोग चाहें तो वाई को आगे ले आए पहले और फिर लॉग ई बेस ई वन हो जाएगा, तो वाई इंटू वन बराबर वाई होगा। तो कैसे भी कर लो ये वाई बचेगा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ e बेस वन अपॉन एक्स प्लस वन। लॉग e बेस को लिखा नहीं जाता अपने यहाँ, तो सीधे अपन लिख देते हैं y इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन बाई एक्स प्लस वन। चलिए ये आ गया फंक्शन अपने पास, ये है जी फंक्शन, ये है फंक्शन, बड़ी अच्छी बात है, दोनों फंक्शन मिल गए हमको। अब क्या, अब हमें डिफरेंशिएट करना है, कितने बार, दो बार करना है। तो पहले बार डिफरेंशिएट करो, देखो लॉग वन अपॉन एक्स प्लस वन है, ठीक ना, अच्छे आराम से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि लॉग के अंदर का जो टी बनेगा वो क्या बनेगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन बनेगा, है ना? तो चलिए वन अपॉन लॉग एक्स प्लस वन को डिफरेंशिएट करते हैं। ये देखिए कैसे हो जाएगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखो सबसे पहले लॉग को डंडा चलाओ, तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाई एक्स, तो वन अपॉन एक्स की जगह कौन बैठा है, वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो पलटी मार के एक्स प्लस वन ऊपर आ गया। ये देखो अब किसका डिफरेंशिएशन करोगे टी के रूप में, वन अपॉन एक्स प्लस वन का, तो आपको पता है कि वन अपॉन एक्स का क्या होता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वन बाई एक्स का क्या होगा, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक से एक कट गए, केवल क्या बच गया, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ये आ गया डी वाई डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स आ गया माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब डबल डेरिवेटिव कर दो, मतलब फिर इसका डिफरेंशिएट कर दो माइनस वन अपॉन एक्स का, तो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएट करोगे, माइनस बाहर ले लिया, वन अपॉन एक्स प्लस वन का, तो कितना आएगा, फिर से वन अपॉन एक्स का होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, वन अपॉन एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, क्या आप इसे माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, ये क्या है, डबल डेरिवेटिव, ये क्या है, सिंगल डेरिवेटिव, सो यू कैन राइट डबल डेरिवेटिव इक्वल टू सिंगल डेरिवेटिव का होल स्क्वायर। कहिए जी क्लियर है कि नहीं है? यस सर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17, मैंने वीवीआईएमपी बोला है, बताओ किसने अपने दम से क्वेश्चन नंबर 17 कर लिया, किसी ने किया क्या क्वेश्चन नंबर 17 बिना किसी मदद के, या मदद लेके भी किया क्या, समझ में आया? इसमें बच्चों फुल मैनिपुलेशन मेथड का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, इसने जो सॉल्व भी किया है ना, हाँ, तो ये मैनिपुलेट मेथड का इस्तेमाल किया तभी ये चार लाइन में सॉल्व हो गया, नहीं तो बहुत बड़ा जाता है ये। अगर ऐसे करोगे आप इसको नॉर्मल देसी मेथड से कि हम तो वाई टू निकाल लेंगे, हम तो वाई वन निकालेंगे, थोड़ा बड़ा जाता, चार लाइन का नहीं आठ लाइन का जाता। तो चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 17 में करवा दूँ कि करोगे खुद से, बोलो 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 सर, करवा दो, करवा दो, करवा दो मैं, चलो तो मैं करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है जी। कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, देखिए मैं करवाता हूँ तो ज़्यादा बेटर लगेगा आप लोग को, डिक्टेट करने से अच्छा मैं सॉल्व कर दूँ।
ये देखिए जी क्वेश्चन आ गया। ओके देखिए आपके पास फंक्शन दिया गया और आपको ये लेके आना है, वो जो लेके आना उसमें वाई वन है वाई टू इन्वॉल्व है। चलो वाई को पकड़ो, वाई इज इक्वल टू क्या है टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। चलो वाई वन निकालो बेटा, वाई वन मतलब पहली बार डिफरेंशिएशन, डी वाई डी एक्स कर दिया, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया। चलो देखो क्या होगा, इसको टी मानोगे तो ये क्या बन जाएगा टू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा टू टी और डी टी बाई डी एक्स, और बाद में टी की जगह वैल्यू भी तो पुट करोगे तो टू की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। बोलो बच्चों ये चमका कि नहीं चमका, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ ये चीज़ हो गया डिफरेंशिएट। अब चलो थोड़ा इसको और आगे बढ़ा दो, तो वाई वन इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन भाई मैं बता चुका हूँ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, वन प्लस एक्स स्क्वायर देखो इसके साथ मल्टीप्लाई है, मतलब पक्का इसको ऊपर उछाल दो, कुदा दो इसके ऊपर, तो वाई वन मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया कितना टू टेन इनवर्स एक्स। ये लियो जी वाई वन इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया टू टेन इनवर्स एक्स। क्लियर है? चलिए अब फिर से कर दो डिफरेंशिएशन, लिखो डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो बच्चों फिर से डिफरेंशिएट कर दो, क्या रूल लगेगा मल्टीप्लाई रूल, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का, तो फर्स्ट फंक्शन वाई वन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन बड़े आराम से करो, वन का होता है जीरो, एक्स स्क्वायर का कितना टू एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। यार वाई वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अरे वाई वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हद हो गई यार। यार वाई वन का डेरिवेटिव क्या होगा, वाई टू नहीं होगा, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कैसे कर रहे हो तुम लोग यार जवाब ही नहीं दे रहे हो, डी टू वाई बाई डी एक्स टू होता है, इसी को तो वाई टू बोलते हैं वाई वन के डेरिवेटिव को। लास्ट क्लास में पूरी चार्ट बनाई थी ना, पहले वाई से वाई वन जाता है, वाई वन का वाई टू होता है। क्यों मुस्कान, रिप्लाई नहीं आ रहा तुम्हारा? जय यस सर। वाई वन का डेरिवेटिव वाई टू नहीं होता क्या, बोलो जय। यस सर। तो वाई वन का डेरिवेटिव जो होगा वो वाई टू होगा, ठीक है ना, तो उसको ओपन पे पुट कर दिया उधर पे। तो चलो वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कहाँ थे यहाँ थे ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का, क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन वाई टू इक्वल टू टू। अब टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन क्या होगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। चलो देखो क्या हो जाएगा, ये टू एक्स है, टू एक्स का वन प्लस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा टू इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में क्या आएगा वाई वन प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे से इसके साथ जाएगा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू वाई टू इक्वल्स टू टू। देख लो यही प्रूफ करना था, दिस प्लस दिस इक्वल टू टू, दिस इज इक्वल्स टू आर एच एस। कहो ठीक है, आ गया समझ में? यस सर। पुट करके भी करना हो तो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, खुद से कर लो पुट करके। चलिए तो इसको भी आप लोग नोट कर लो, और बताओ कौन सा क्वेश्चन कराने हैं, इसमें खत्म हो गए सारे हो गए? सारे हो गए क्या? 17 के बाद देखो भाई कौन सा बचा है, 7 हाँ खत्म होगी एक्सरसाइज। बच्चों अगली एक्सरसाइज चैप्टर से निकाल दी गई है, रोलेस थ्योरम अगली एक्सरसाइज चैप्टर से निकाल दी गई है, तो इसको मत करो अभी, इतना लोड मत लो क्योंकि ऑलरेडी आप लोग के ऊपर बहुत लोड है, तो इसको मत करो, ठीक है ना, अलग से करना चाहोगे तो करा देंगे, तो इसको मत करो। चलो अब बताओ, ठीक है, तो अब आपको करनी है इसकी प्रैक्टिस, चलिए जल्दी से प्रैक्टिस कीजिए, स्टार्ट कीजिए प्रैक्टिस।